शनि अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा है, यानी कि वक्री शनि बैठा है, ये एक बहुत सीरियस पोजीशन आपको माननी चाहिए। देखिए, शनि जब आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड होगा, आपसे नॉर्मल शनि के कंपैरिजन में 500 गुना ज्यादा मेहनत करवाता है। ये आपकी लाइफ एक तरह से सफरिंग में बांध देता है। और किस एरिया में सफरिंग होती है? जहां शनि बैठा है वो जिस हाउस से 12th पड़ रहा है, यानी कि शनि से दूसरी पोजीशन में आपको सबसे ज्यादा सफरिंग देगा ये। फॉर एग्जाम्पल, शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि सेकेंड हाउस से ये फर्स्ट हाउस 12th पोजीशन पे आ गया, यानी कि सेकेंड हाउस की जो चीजें हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा सफरिंग देगा। वैसे हम इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एक एक घर में वक्री शनि यानी कि रेट्रोग्रेड शनि आपको कैसे रिजल्ट्स देगा। बट ओवरव्यू के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर शनि आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है इस लाइफ में, ये इसलिए आया है क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ एरियाज थे जिसमें आप बिल्कुल ही नॉन सीरियस थे। जो चीजें अपने पास्ट लाइफ में बिल्कुल नॉन सीरियसली करी है या फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उन चीजों को सुधारने आया आपकी कुंडली में इस लाइफ में शनि। देखिए, शनि एक तरह से टीचर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आप मान लीजिए। जब स्ट्रिक्ट टीचर आपके साथ में आपकी सीट में आके बैठ गया, उस टाइम पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो शनि इसलिए कहते हैं वक्री शनि ओरिजिनल शनि से, नॉर्मल शनि से 1000 गुना भी ज्यादा मेहनत करवाते हैं लाइफ के अंदर। तो आइए अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहले घर से लेकर छठे घर तक डिस्कस करेंगे कि वक्री शनि कैसे रिजल्ट्स देंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, वक्री शनि के रिजल्ट्स देखने के लिए आप ये चेक करेंगे कि आपका जो शनि है, फॉर एग्जाम्पल अगर शनि यहाँ पे बैठा है, कि ये किस घर से 12वें स्थान पे है, यानी कि इससे अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, इससे नेक्स्ट घर देखिए आप, क्योंकि यहां से ये शनि एक तरह से 12वें स्थान में आ गया, 12th पोजिशन पे आ गया। तो जहां रेट्रोग्रेड शनि बैठा होगा उसके अगले घर पे आपको सबसे ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आइए अब शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस के साथ। देखिए, जब शनि यहां पे बैठ गया, फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड शनि बैठ गया, जब फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड शनि बैठ गया, ये किस हाउस से 12th पोजीशन पे, सेकंड हाउस से, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको अपने सेकंड हाउस में देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस की क्या सिग्निफिकेंस होती है? सेकंड हाउस से सिग्निफिकेंस होती है कि आपकी इमीडिएट फैमिली कौन है बर्थ के अंदर, या फिर आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है लाइफ के अंदर। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको, कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीजें अपनी फैमिली के अंदर देखने को मिलेंगी। या तो आपकी फैमिली सेपरेट हो गई होगी आपकी वजह से, या आप खुद ही अपनी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रेंज होंगे। हो सकता है आप स्पेशल चाइल्ड हो। जब फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड शनि बैठा है, स्पेशल चाइल्ड भी बनाता है, यानी कि जिन जो नॉर्मल दुनिया से दूर ही रहते हैं ज्यादातर। और एक्यूमुलेटेड वेल्थ, यानी कि जितनी आपने जमा कुंजी जमा करी है उसमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीजें होंगी, या तो बहुत अलग ही तरीके से आपने पैसे कमाए होंगे लाइफ के अंदर, या फिर जो आपकी वेल्थ है उसमें स्ट्रेंज चीजें होती रहेंगी, सडनली कुछ ना कुछ खराब हो गया। और साथ के साथ क्योंकि सेकेंड हाउस से हम आपकी एक तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टीज, आपके पास प्रॉपर्टीज तो हो बट बहुत स्ट्रेंजली आप उन प्रॉपर्टीज का फायदा ही नहीं उठा सकते। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टीज इंडिया में, आप बाहर ही बैठे हैं और बिल्कुल ही अलग ही लाइफ जी रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपने पैसे जमा करे वो आपके यूज में ही नहीं आ रहे, कोई और ही उनको ले गया। ऐसी स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा सफरिंग आपकी लाइफ में आपको सेकेंड हाउस से रिलेटेड मिलेगी। आप सेविंग्स भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भी स्ट्रेंज चीजें होंगी, सडनली आपकी सेविंग्स ही खत्म होगी लाइफ में। और जनरली ये भी देखा जाता है जब फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड शनि आ गया ना, तो दूसरे लोगों की आपको बहुत कम ही हेल्प मिलती है लाइफ के अंदर। तो अब चाहिए चलते हैं अब अपनी सेकेंड पोजिशन की तरफ कि शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस में रेट्रोग्रेड आ गए, शनि सेकेंड हाउस में रेट्रोग्रेड आ गए, तो इस केस में क्या होगा? ये सेकेंड हाउस थर्ड हाउस से 12th पोजीशन में, यानी कि आपको मेन जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो थर्ड हाउस से रिलेटेड आएंगी। थर्ड हाउस की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपको कम्युनिकेशन आपकी कुछ अलग ही होगी, या तो आपकी कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, चैलेंजेस होंगे आपको बोलने में, या खुद को प्रेजेंट करने में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ के अंदर। और आपकी जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं या फिर जो नेबर्स हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीजें होंगी। अलग से ही सिबलिंग्स होंगे जो आपकी हेल्प ही नहीं करते, अलग से ही नेबर्स होंगे। जनरली अगर सेकेंड हाउस में आपके शनि रेट्रोग्रेड है ना, तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आप सिबलिंग से बहुत ही दूर हो गए। बहुत दूर रह के अगर सिबलिंग से काम करेंगे तो आपके काम ज्यादा बनेंगे। तो अब देखिए, जब शनि सेकेंड हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, थर्ड हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंसेस है उसमें आपको सफरिंग देखने को मिलेगी लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। जब शनि आपकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाए, यानी कि शनि अब
यहां पे बैठे हैं और रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। तो जब शनि थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए, आपको सबसे ज्यादा सफरिंग ये फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेंस पे देंगे। फोर्थ हाउस क्या होता है? आपकी मदर का हाउस होता है, आपके घर का हाउस होता है। आपकी मदर के बारे में कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होगा, या तो आपकी मदर सेपरेटेड हो गई हैं फादर के साथ, अलग ही रहते हैं, या बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है उनका, आपके बिल्कुल ही नहीं बनेंगे उनके साथ। और साथ के साथ दूसरों की इमोशंस, क्योंकि इमोशनल हाउस भी है फोर्थ हाउस, दूसरों की इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। साथ के साथ जो आपके घर, जो आपका घर है जहाँ आप रहते हैं, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ अलग ही स्ट्रेंज ही चीज़ें होंगी। या तो आप परफेक्शन ढूंढते होंगे कि मुझे परफेक्ट घर चाहिए, तो उस चक्कर में आपको घर ही नहीं मिल रहा। तो फोर्थ हाउस में जितनी चीज़ें आ गई, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आ गई, या फिर एजुकेशन भी आ गया, दूसरों को पढ़ाना भी आ गया, उस बारे में बहुत स्ट्रेंजनेस मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। तो देखिए, अभी तक जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहां शनि बैठे होंगे रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर, उसके नेक्स्ट घर में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इतने चैलेंजेस कि आप सोचेंगे कि हाथ ही होगी कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इस एरिया ऑफ लाइफ में, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आइए अब आगे चलते हैं। अगर शनि रेट्रोग्रेड हो गए, फोर्थ हाउस में बैठ गए, देखिए फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए तो फिफ्थ हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेंगे। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी का हाउस होता है, आपके रोमांटिक होने का हाउस होता है, या फिर आपके चिल्ड्रन का हाउस होता है। आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत ही खराब हो जाएगी, आप नए आइडिया सोच ही नहीं पाएंगे लाइफ में। और जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में भी कुछ अलग सी अजीब सी चीज होगी, या तो बच्चे जो है वो स्पेशल चाइल्ड होंगे, या फिर वो कुछ ना कुछ आपसे कह सकते हो कि स्ट्रेंज चीज होगी, जो दूसरे लोग हैं उनसे बिल्कुल ही अलग तरीके के बच्चे होंगे। साथ के साथ क्योंकि यहाँ पे हम रोमांस भी देखते हैं, हो सकता है बिल्कुल भी रोमांटिक ना हो, रोमांस के मामले में आप बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे लाइफ के अंदर। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया, जब शनि फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ। सिक्स्थ हाउस यानी कि कॉम्पिटिशन का हाउस, कोर्ट केसेस का हाउस, कचहरियों का हाउस, और दूसरों के साथ कंपीट कर देगा हाउस। इस चीज में आप सफर करेंगे लाइफ में, दूसरों से कंपीट ही नहीं कर पाएंगे, डर लगेगा आपको। साथ के साथ कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रेंज होगा, अलग से ही कोर्ट केसेस हो गए। सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, किसी अननोन बंदे ने ही आप पे केस कर दिया, तो एक तरह से बहुत स्ट्रेंज तरीके से आपके ऊपर कोर्ट केसेस होंगे। बहुत स्ट्रेंज तरीके के आपके दुश्मन आ गए, आप सोच भी नहीं सकते थे जिस इंसान को कि आपका दुश्मन है, उस तरह के दुश्मन मिलेंगे आपको यहाँ पे अगर शनि बैठ गया फिफ्थ हाउस के अंदर, क्योंकि सिक्स्थ हाउस को आप सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप यही डिस्कस करेंगे, जहां शनि बैठेगा उसका अगला घर देखना है आपने, क्योंकि उसके अगले घर से शनि अब ट्वेल्थ पे बैठा है, तो अगले घर पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोजिशन की तरफ। अगर शनि सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं रेट्रोग्रेड पोजिशन के अंदर, देखिए छठे घर में जब रेट्रोग्रेड शनि बैठे हैं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे सेवन्थ हाउस के ऊपर। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनरशिप्स का हाउस आ गया, आपकी वाइफ का हाउस हो गया, आपके हस्बैंड का हाउस आ गया, आपके लाइफ पार्टनर का हाउस हो गया। आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज होगी, बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहने वाला है आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और बिजनेस में भी जो आप पार्टनरशिप्स करेंगे ना, उसमें आपको अलग ही चीज देखने को मिलेगी। हो सकता है सडनली धोखा मिल जाए, आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसे आपके पार्टनर निकल गए कि आपके मुंह पे कुछ और है और बाहर जाके कुछ और है। तो सेवेंथ हाउस की जितनी सिग्निफिकेंसेस हैं, उस रिलेशन में शनि आपको गलत रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ये आपको लेसन सिखाना चाहता है इस लाइफ के अंदर। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया कि जिस हाउस में शनि बैठा होगा उसके अगले हाउस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा अगर रेट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा है, और उसके अगले हाउस में आपसे 500 गुना 1000 गुना ज्यादा मेहनत करवाएगा। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको उस एरिया ऑफ लाइफ को धीरे धीरे एक तरह से ग्रोथ करनी चाहिए अगले हाउस के रिलेशन में। यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, तो सेकेंड हाउस की जो सिग्निफिकेंस है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगी आपकी, पैसों के मामले में धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करिए, उसको बचाना सीखिए। शनि आपको यहाँ पे इस लाइफ में उस हाउस की सिग्निफिकेंस के बारे में लेसन्स देने आया है, वो भी बहुत हार्ड लेसन्स। तो जब तक आप वो हार्ड लेसन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको शनि पनिशमेंट देते ही रहेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि रेट्रोग्रेड शनि, वक्री शनि आपकी कुंडली में क्या देने आए हैं, आपको किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको ज्यादा सफरिंग देंगे। और अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर सेवेंथ हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस तक वक्री शनि बैठे हो तो आपको कैसे रिजल्ट्स देते हैं। देखिए, वैसे वक्री शनि या रेट्रोग्रेड शनि के अगर आपने एग्जैक्ट रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको नक्षत्र चेक करना चाहिए।
किस नक्षत्र में किस पदा में शनि बैठा है रेट्रोग्रेड होके, वो आपको डेफिनेट रिजल्ट दे सकता है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड। बट हाउस वाइज भी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद।